खबर इंदौर से है, जहां गर्लफ्रेंड की बात ना करने से परेशान 19 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक फांसी लगाने से पहले भी युवती से फोन पर बात ही कर रहा था। वो बार बार उससे कह रहा था कि मुझसे बात करो, नहीं तो मैं फांसी लगाकर जान दे दूंगा। दोनों के बीच लगभग 3 घंटे तक बहस हुई। इसके बाद युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पहुंचे जांच अधिकारियों ने मौके से मृतक का मोबाइल जब्त कर लिया है। जांच अधिकारी ने बताया कि घटना शहर के परदेसीपुरा इलाके के श्रीनाथ कंपाउंड की है। यहां रहने वाले प्रत्येक उम्र 19 वर्ष पिता रूपेश कोटिया ने घर की पहली मंजिल पर जाकर फांसी लगा ली है। सुबह परिवार जब प्रतीक को उठाने गया तो वह फंदे पर झूलता मिला। पुलिस और एफएसएल अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो प्रतीक के कानों में मोबाइल के ईयरफोन लगे हुए थे। फांसी लगाने के पहले प्रतीक अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। पहले दोनों के बीच चैटिंग हुई, फिर कुछ देर फोन पर बात भी हुई थी। मोबाइल में दोनों के बीच हुई चैटिंग पुलिस को मिली है। पुलिस ने मोबाइल भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि प्रतीक जेल रोड स्थित गिफ्ट वार्ड गैलरी पर काम करता था। गुरुवार रात दुकान से घर लौटने के बाद प्रतीक ने घर पर खाना खाया और अपने कमरे में सोने चला गया। मोबाइल में मिली चैटिंग के अनुसार रात 12 बजे से रात 3:30 बजे तक वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता रहा। दोनों के बीच काफी ज्यादा कहासुनी होने के बाद प्रतीक ने युवती को सुसाइड की धमकी भी दी थी। इसके कुछ देर बाद प्रतीक ने फांसी लगा ली। चैटिंग में प्रतीक बार बार युवती से बोल रहा था कि तुम किसी और से बात कर रही हो, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। दोनों के बीच विवाद के बाद ही युवक ने यह कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक प्रतीक जिससे प्यार करता था उस युवती की उम्र करीब 18 साल है और दोनों के बीच साल भर से अफेयर चल रहा था। लटका हुआ था बस, कुछ हेडफोन भी लगा था, हेडफोन लगा हुआ था, कुछ प्रेस प्रसंग का कोई ये हो सकता है, हमने को ये नहीं मालूम क्या है। कभी किसी मोबाइल जब्ती में ले लिया, मम्मी भाई बहन से किसी तरह की बातचीत करी? कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं था। किसी पर शंका वगैरह? अगर बात करने भी गया था काम की, सब कुछ हो गया था उसका। और रात से जॉब पे जाने वाला था और रात में गलम क्या हुआ उसको अचानक एकदम। किसी तरह की शंका वगैरह आपको? उसके दोस्त से उनने 1:30 बजे करीब कॉल करा, उससे बात कर दी और उसके बाद दोस्त से पूछा किस तरह की बात है तो बोले नहीं, बोले चाचा सब अच्छी बात करी हमसे, बोले हम सुबह जाने वाले थे और कुछ भी नहीं हुआ, बोले हमारा कोई बात नहीं हो रही, उसने फोन काट दिया, बोले मैं सोने जा रही हूँ। आपका नाम कुमार कोटिया, आप कौन उनके चाचा हूँ। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।